दोस्तों वहाँ टेंपल दिखाया दुर्गा माँ का आपको, उसके बाद हमने प्लान बनाया कि यहीं पास में एक मिस्टीरियस बावड़ी है, नीमराणा की बावड़ी है, जिसको राजा जयसिंह जो थे उन्होंने उस टाइम बनवाया था। और इस बावड़ी के अंदर ज़मीन के अंदर में 9 मंजिल बनी हुई है, 9 मंजिल अंदर आप ज़मीन के जा सकते हैं। बाहर से देखने पे ये बिल्कुल समतल लगती है। और राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां हैं, हालांकि बहुत से ज़िले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें बावड़ियां बनी हुई हैं, तो ये उस ज़माने में पानी की स्टोरेज के लिए और शीतलता प्रदान करने के लिए बहुत सी जगह पर बावड़ियाँ ऐसे बनाई जाती थी। चलिए इस बावड़ी को आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों भारत में कई प्रकार की बावड़ी पाई जाती हैं, जिनमें से आयताकार बावड़ी व वर्गाकार बावड़ी मुख्य हैं। बावड़ियों के अंदर महलों के दरवाजे जैसी आकृतियां पानी को सूर्य की गर्मी से ठंडा बनाए रखती थी। नीमराणा की बावड़ी रियासतकालीन जल संरक्षण संरचना का बेजोड़ नमूना होने के साथ राजपूत शैली की अनुपम कलाकृति भी है। इसकी हर मंजिल पर बेसकीमती पत्थर, नक्काशी और कलात्मक झरोखे बने हुए हैं। हर मंजिल पर कक्ष भी बने हैं, जिनका इस्तेमाल गर्मियों में शीतलता के साथ आराम करने में भी किया जाता था। बावड़ी का पानी पीने और सिंचाई में इस्तेमाल होता था। और दोस्तों इस बावड़ी का निर्माण विक्रम संवत 1740 में नीमराणा के तत्कालीन राजा मान सिंह ने करवाया था। दूर से यह बावड़ी समतल नजर आती है, लेकिन हकीकत में जमीन की सतह से 250 फीट गहरी है। नीचे उतरती दिशा में 9 मंजिल बनी हुई है, इनके बीच 150 सीढ़ियां हैं। हर मंजिल एक दूसरे से इस तरह जुड़ी है कि कहीं से भी आ जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लोकल के अंदर जो लोग हैं आसपास के, बावड़ी के आसपास के, वो लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ नीमराणा में एक बारात आई थी, और वो बारात जो है इस बावड़ी के अंदर, उस ज़माने में ये बावड़ी बहुत गहरी हुआ करती थी, और जो पहाड़ पे महल बना हुआ उस महल से लेके इस बावड़ी तक एक सुरंग बनी हुई थी, जिसके ज़रिए रानी यहाँ पे स्नान करने के लिए आती थी। और कहते हैं कि वो पूरी बारात उस सुरंग के अंदर घुस गई थी ये देखने के लिए कि ये महल में ही जाती है या नहीं जाती है, और वो बारात फिर वापस कभी लौट के नहीं आई। तो इस बावड़ी के बारे में ये भी एक जो लोक कथा है या फिर ये सच है, ये चीज़ भी एक यहाँ पे प्रचलित है इस बावड़ी के बारे में। दोस्तों ये जो सीन हमने लिया, ये बावड़ी के अंदर बिल्कुल नीचे हम चले गए थे और वहाँ से हमने ये सीन लिया। आप देख सकते हैं कि पूरी नीचे से अभी एक मंजिल जो है वो अट गई है, यानी कि उसके अंदर जो है यहाँ चुन्ने पत्थर और साइडों से मिट्टी आके पूरा एक मंजिल इसकी दब चुकी है। और बिल्कुल लास्ट में जाके इसके अंदर एक कुआं भी बना हुआ है, जो कुआं आज भी एज इट इज़ दिखाई देता है। और उस ज़माने में विक्रम संवत, जो कि एक हिंदी कैलेंडर है, हिंदुओं का एक कैलेंडर होता है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत 1740 में राजा जयसिंह, जो उस समय के तत्कालीन राजा थे राजा जयसिंह, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये बावड़ी जो है नीमराणा से, अगर आप गिलोट की तरफ अगर जाते हैं तो नीमराणा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर और महल से करीब 1.25 किलोमीटर दूर ये बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है। अभी पुरातत्व विभाग ने इसका जीर्णोद्वार करवाया है और सामने की दीवार इसकी रिपेयर करवा
बाकर यहाँ पे जाली लगा दी गई है और साफ सुथरा भी इसको करवा दिया गया है। पहले काफ़ी गंदी हुआ करती थी, यहाँ पे पशु घुस जाते थे अंदर, लेकिन अभी तो बहुत साफ सुथरी है। रोड के बिल्कुल किनारे पे आप देख सकते हैं ये बावड़ी, काफ़ी शानदार है। अगर आप यहाँ पे घूमने आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके लिए। तो दोस्तों, बावड़ी का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लोकल जर्नी परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। स्टे ट्यून, स्टे सेफ। ओके, हम मिलते हैं आपको जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।